वेलकम टू आहुजास रेसिपी। आज हम बनाएंगे गुजरात का फेमस स्नैक फाफड़ा और उसके साथ जो चटनी सर्व की जाती है उसकी रेसिपी। तो आप भी बिल्कुल बाजार जैसा फाफड़ा अपने घर पर कैसे बनाएं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाफड़ा का आटा गूंथ लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से छान लेंगे। फाफड़ा बनाते समय बेसन को छानकर ही हमें लेना है। अब हम बेसन के बीच में जगह कर लेंगे। उसके बाद उसमें आधा चम्मच पापड़ खार, एक छोटी चम्मच अजवाइन, दो बड़े चम्मच तेल, स्वाद अनुसार नमक और दो बड़े चम्मच पानी डालकर उसे बीच में अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये घुल जाए। अब हम इसमें बेसन मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेंगे। बेसन में हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। फाफड़ा बनाने के लिए हमें आटा एकदम टाइट बांधना है। थोड़ा भी ढीला हुआ तो हमारे फाफड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इतना आटा बांधने के लिए मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच ही पानी डाला है। आटे को हमें 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेना है। जितना हम इसे ज़्यादा मसलेंगे फाफड़ा उतना ही अच्छा बनेगा। जब हाथ में आटा चिपके ना, यानी कि हमारा आटा बनकर अच्छे से रेडी है। अब थोड़ा सा तेल लगाकर हम फिर से इसे थोड़ा मसल लेंगे। हमारा आटा अच्छे से बन चुका है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब फिर से हाथ में थोड़ा तेल लगाकर इसे 1 मिनट के लिए मसल लें। अब आटे में से छोटी सी लोई काटकर ले लें और उसे लंब गोल शेप में बना लें। फाफड़ा बनाने के लिए हमें लकड़ी के पाटले का यूज़ करना है। अब हम इस लोई को लकड़ी के पाटले पर रखेंगे। फिर हथेली की मदद से हम उसे थोड़ा दबाएंगे और घिसते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। अब किसी पतले चक्कू की मदद से या कोई पट्टी हो पतली उससे हम इसे निकाल लेंगे। शुरुआत में आपका फाफड़ा बिगड़ेगा भी, लेकिन आप 2 से 3 बार ट्राई करेंगे उसके बाद ये बनने लगेगा। अब हम इसे थाली में रख देंगे और पाटले को एक बार साफ कर लेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बनाना बताऊंगी। इस तरह लोई को पीछे से दबाएं और घिसते हुए आगे की तरफ ले जाएं। अब निकाल लें। देखिए कितना बढ़िया फाफड़ा तैयार हुआ है। मैं आपको एक दूसरी रीत भी बता रही हूँ फाफड़ा बनाने की। एक प्लास्टिक पर आप थोड़ा तेल लगा लें, फिर लंब गोल शेप की लोई बनाकर ले लें और इसे कागज पर रखें। फिर बेलन की मदद से इसे लंबा लंबा बेल लें। अगर आपको फाफड़े का स्वाद बिल्कुल बाजार जैसा चाहिए तो फिर आप उसे पाटले पे ही बनाएं, तभी ये बिल्कुल बाजार जैसा लगेगा। अब इसे भी हम चक्कू की मदद से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह आप सभी फाफड़े बनाकर रख लें थाली में। अब हम फाफड़ा तलने के लिए तेल को गरम कर लेंगे। फाफड़ा तलने के लिए तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आटा डालें और इस तरह बबल्स आने लगे तब हम फाफड़ा डालेंगे। फाफड़ा तलते समय गैस की फ्लेम हमें धीमी ही रखनी है। फाफड़ा तल कर तैयार होने में 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। अब करछी की मदद से इसे थोड़ा तेल में डुबोएं। देखिए फाफड़ा कितना बढ़िया फूला है। अब हम इसे एक बार पलट लेंगे। जब बबल्स आना कम हो जाए तो यानी हमारे फाफड़े तल चुके हैं।
अब हम उसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, बिल्कुल बाजार जैसा फाफड़ा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसके साथ जो बेसन की चटनी सर्व की जाती है वो बनाएंगे। उसके लिए हम 3 बड़े चम्मच बेसन लेंगे, 2 चम्मच दही, 1 चुटकी भर हल्दी, 1 पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्ब्स न रह जाए। मैंने यहाँ 1.5 कप पानी लिया है, लेकिन आप इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अब बाकी का जो पानी है वो भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालें। अब हम चटनी को पका लेंगे, तो उसके लिए 2 बड़े चम्मच तेल ले लें, 1/2 चम्मच राई को अच्छे से फूट जाने दें, थोड़ी सी हींग, 2 कटी हुई मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते डालकर इसे एक बार मिक्स कर लें। फिर जो घोल हमने बनाकर तैयार किया था उसे डालें और बराबर मिक्स कर लें। इसमें हमें 1/2 कप पानी और डालना है। चटनी बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी का यूज़ किया है, यानी कि 480 ml जितना। अब चटनी में उबाल आए तब तक हमें इसे पकाना है। अब हम इसमें 1 चम्मच शक्कर डालेंगे। अगर आपको मीठा ना पसंद हो तो आप ना डालें। चटनी बनाते समय अगर आपको कभी चटनी गाढ़ी लगे तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। चटनी अच्छे से उबल चुकी है, तो हमारी बेसन की चटनी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म फाफड़े के साथ सर्व करें। आप इसे जलेबी के साथ भी खा सकते हैं। तो जेठालाल के फेवरेट और हम सब के फेवरेट फाफड़ा तैयार है। तो इस दशहरे पे आप भी जलेबी और फाफड़ा अपने घर पर बनाएं। जलेबी बनाने की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।